भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस पर शनिवार को डीआरडीए ऊना के सहयोग से उत्तरी भारत के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल चिंतपूर्णी में स्थित चिंतपूर्णी सदन में प्लास्टिक बोतल रिसाइकिल करने के लिए एक मशीन स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन डीसी ऊना राघव शर्मा ने किया। डीसी ऊना ने कहा, इस मशीन से प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चिंतपूर्णी में बाहरी राज्यों से भारी तादाद में श्रद्धालु आते हैं और वह पानी की बोतल से पानी पीने के बाद उसे इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे गंदगी फैलती है। लेकिन इस मशीन के लगने से अब पानी की खाली बोतलों का कूड़ा कम होगा। चिंतपूर्णी में स्थापित मशीन की खास बात यह है, जो व्यक्ति इस मशीन में पानी की खाली बोतल को डालेगा, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर एंटर करेगा, जिससे उसे एक डिस्काउंट कूपन मिलता है और वो इस कूपन का इस्तेमाल कर सकता है। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारा डीआरडीए पूना है, उसके माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत एक प्लास्टिक बोतल रिसाइकलिंग मशीन हमने चिंतपूर्णी सदन में एस्टैब्लिश की है। माध्यम से जितने भी जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, वो इस मशीन में डाल के क्रश की जा सकती हैं। जो क्रश्ड बॉटल है, उसको रिसाइकिल करने का सिस्टम किया जा सकता है। यूजुअली जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, वो लैंडफिल में जाती हैं और वहाँ पर काफ़ी ढेर लग जाते हैं, और लैंडफिल प्लास्टिक की बॉटल से भरा पड़ा रहता है। और हमने ये कई जगह देखा है कि प्लास्टिक की बॉटल जो है वो इधर बितर होके गंदगी फैलाती है। तो अब एक ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आते हैं, वो अगर प्लास्टिक की बॉटल लेके जाते हैं, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए चिंतपूर्णी सदन में सभी का फुटफॉल होता है, और इसी मशीन के द्वारा जो है उसको रिसाइकिलिंग के लिए प्लास्टिक की बॉटल को यहाँ डाला जा सकता है, जिससे चिंतपूर्णी क्षेत्र में गंदगी भी कम होगी। और स्वच्छ भारत मिशन का जो एक हमारा सपना है कि प्लास्टिक वेस्ट हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें कम हो, वो भी हमारा जो उद्देश्य है वो इससे पूरा होगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए चिंतपूर्णी से सुशील शर्मा के साथ रोहित कालिया।